हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्योंकि मैं वीडियो बनाने में इस पे देर कर रहा था कि मैंने सोचा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल गया होगा, पर तकरीबन मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में लगभग 300 से अधिक लोगों का मेल आ चुका है। बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज व्हाट्सएप आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आपके लगातार ये इशू जा रहे हैं कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए आसान भाषा में, ताकि जो गांव देहात के बच्चे हैं जो बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, फॉर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं कि कैसे यूपीएससी का फॉर्म है फिलअप करना है, क्या क्या टेक्नैलिटी है इस बार, तो उनके लिए एक वीडियो मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ इस टॉपिक पे। फाइनली देखते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में मेन चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस पे भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको हम धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप उसका फ्री में लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है, तो सबसे पहले सबकी जो एक खास नजर होती है कि वैकेंसी आई कितनी है, नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है। तो ये वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ, यूपीएससी के वेबसाइट पे 796 सीट है, वैकेंसी इतना है इसमें। और अगर आप नोटिफिकेशन का देखें तो 12 फरवरी 2020 को ये नोटिफिकेशन आया है और लास्ट डेट जो है एग्जाम का फॉर्म भरने का वह है 3 मार्च 2020 टिल 6 PM, 6 बजे शाम तक आप ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, प्रीलिम्स का जो डेट है एग्जामिनेशन का वो 31 मई 2020 को है। ये वन डे एग्जाम होगा, जैसा पहले भी होता रहा है कि फर्स्ट सिटिंग में जीएस के एग्जाम होंगे, सेकेंड सिटिंग में आफ्टर 2 और 2.5 घंटे का गैप होता है, उसके बाद सी सेट का एग्जाम होगा आपका, जो ये इसमें जीएस और प्रीलिम्स दोनों एक ही दिन में हो जाएगा, जीएस और सी सेट सॉरी। उसके बाद मेंस एग्जाम का भी डेट इसमें दे दिया गया है, वो है सितंबर 18, 2020 से शुरू होगा और ये टोटल 5 डे का होगा। तो ये तो हो गया कि नोटिफिकेशन के एक जो जनरल इश्यूज होते हैं, जनरल एक क्यूरियोसिटी होती है वो। दूसरा इसमें है कि फी कितना लगेगा, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फी कितना लगता है आपके लिए। तो मैं बता दूं कि फी के चार्जेस जो हैं वो 100 रुपया ही हैं, केवल 100 रुपया फी आपके लिए रखा गया है। अगर कहीं आप जाते हैं कोई शाइबर कैफे वाला ये बहुत ज्यादा चढ़ा वढ़ा के आपसे रुपया लेता है, तो प्लीज ये सही जानकारी लेकर के आप जाए। फॉर्म भरने के थोड़े से पैसे वो लेगा और 100 रुपया आपको बस देना है। 100 रुपया किनको देना है फॉर्म के, तो जो जनरल कैटेगरी से है, जो ईडब्ल्यूएस है, जो ओबीसी है, और ये तीनों जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के मेल कैंडिडेट को ही 100 रुपया देना है। अदरवाइज जो फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी एसटी हैं, और जो जो आप कह सकते हैं कि एक जो पीएच कैटेगरी से आते हैं, PH 1, 2, 3 करके यूपीएससी में एक रहता है, अगर इस कैटेगरी से हैं तो आपको 1 भी रुपया फी भरने के लिए नहीं लगेगा। जी हाँ, तो ऐसी जानकारी लेकर के आप जाएं ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। उसके बाद एक रहता है कि बड़ी चर्चा चल रही थी कि बासमान कमेटी का क्या लागू हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बासमान कमेटी के रिपोर्ट बहुत समय से पड़े हुए हैं और उम्मीद की जाती है कि किसी भी ईयर में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो यूपीएससी के जो पूरे परफॉर्मर है इसमें एक बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है और उम्मीद की जा रही थी कि इस बार शायद ऐसा हो सकता है। परंतु फ्रेंड्स, जो यूपीएससी ने इस बार का नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जो मेन बात थी कि एज में कितना चेंजेस हो सकता है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि एज बहुत ज्यादा है, बासमान कमेटी ने यही कहा है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो एज रखा गया है वो एज इट इज पहले की तरह है। और आप देखें कि एज जो है मिनिमम एज किसी भी कैटेगरी का वो 21 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो जनरल कैटेगरी का है वो 32 साल, 32 एज होने चाहिए आपके मैक्सिमम, इससे ज्यादा है तो फॉर्म नहीं भर सकते। ओबीसी मैंने पहले कहा मिनिमम 21 और ओबीसी का 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी 37 ईयर्स, मिनिमम 21 मैक्सिमम 37 ईयर्स। अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट का भी वही तरीका है, जनरल कैटेगरी के हैं 6 अटेम्प्ट देंगे आप, ईडब्ल्यूएस है तब भी 6 मिलेगा आपको, ओबीसी है तो 8 मिलेगा, उसके बाद और कई अटेम्प्ट, एससी एसटी को बहुत सारे अटेम्प्ट मिल जाते हैं। ईडब्ल्यूएस का क्या है, अगर ईडब्ल्यूएस का रखा गया है इस बार भी प्रावधान, और ईडब्ल्यूएस से क्या फायदा अगर आपको है, आप देखें तो ईडब्ल्यूएस में ये है कि आपको 10% रिजर्वेशन आपको फिक्स मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस में, लेकिन ध्यान रखें कि आपको इसमें एज लिमिट का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा नहीं होने वाले हैं। दूसरा जो है इनकम एंड
एसेट सर्टिफिकेट जो है आपको दिखाना होगा, यानी कि मेंस का जब आप भरेंगे प्रीलिम्स निकलने बाद, और वो किसका होना चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का होना चाहिए, यानी कि अभी से अगर आपका पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी से प्लीज इसको बनवा लें, और फाइनेंशियल ईयर का जो एसेट का डाटा है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बन जाएगा, ये SDM ऑफिस से बन जाएगा, पता कर लीजिए अपने यहाँ, वहां से इस सर्टिफिकेट को अभी बनवा लें। पिछले बार मेरे कई फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि प्रीलिम्स निकल गया था, EWS उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन वो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं हो पाने की वजह से वो मेंस एग्जाम लिख ही नहीं पाए थे। तो आपके साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना हो जाए, इसीलिए अभी से इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। तो बासवान कमेटी की और जो चीजें थी कि एज में कोई कमी नहीं हुई है, वो उतना ही है, निश्चिंत रहें। सीट को लेकर के था कि रेलवे के लेकर के इशू था, तो लेकिन सीट भी ठीक ठाक आ गया है, नो प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक चर्चा थी कि शायद ऑप्शनल सब्जेक्ट हट सकता है, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, इन अफवाहों से कोई दूर रहे, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हटा है। दूसरा था कि ऑप्शनल से लिटरेचर के जो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि आप जानते हैं कि 8 अनुसूची में, 8 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 लैंग्वेजेज हैं उसमें सभी लिटरेचर के भी सब्जेक्ट हैं, प्लस और भी कई हैं, जैसे 8 शेड्यूल में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है लेकिन उसमें भी लिटरेचर तो है, और भी कई हैं। तो इन सब लिटरेचर के सब्जेक्ट्स जो हैं, ये था कि इनको हटा दिया जा सकता है UPSC के द्वारा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिटरेचर है, तो इन अफवाहों पे ध्यान ना दे। दूसरा था कि सीसेट हट सकता है, लेकिन सीसेट नहीं हटा है, सीसेट अभी भी है एग्जाम में। तीसरा है कि ऐसा उम्मीद किया गया था कि इंटरव्यू के मार्क्स जो 275 मार्क्स के काफी हैं, तो उम्मीद किया गया था कि मार्क्स कम किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ है। और एक और अब भी अब बात है कि इंटरव्यू कई पैनल में हो सकता है, उसका एवरेज निकाल करके फिर से एक फाइनल लिस्ट बने, और फिर मेंस और इंटरव्यू को एवरेज को जोड़ करके एक एवरेज नया निकले, उससे मेरिट लिस्ट तय हो, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यानी कि पुराने धर्रे पे UPSC है, तो जो फॉर्म आपके लिए आया है उसमें यही सब कुछ है, बाद में कि कैसे फॉर्म भरना है, ये UPSC के वेबसाइट को मैंने अपने लैपी पे ऑन कर रखा है, मैं बारी बारी से एक एक चीज आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको चलना है। फ्रेंड्स, आप अपने लैपी पे, अपने मोबाइल पे UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट को करें, upsc.gov.in, इसे आप ओपन करेंगे। जब आप इस पेज पे जाएंगे होम पेज पे, तो होम पेज पे जाते ही आपको एक देखिएगा कि अप्लाई ऑनलाइन, इस तरफ से जब आप जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा एक, और इस अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर के आपको क्लिक करना है। अब देखिए UPSC के इस पे होम पेज पे एक आ रहा है नोटिफिकेशन, एस्पिरेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। यानी कि आप आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करें, अगर फॉर्म भरना है फॉर्म भर लीजिए, यानी कि आखिरी दिन में जाके भरेंगे तो रस बहुत ज्यादा हो सकता है, सर्वर लो हो जाता है, आप चुक जाएंगे मौका। तो ये इन्होंने लिख रखा है, और इन्होंने डेट टाइम वगैरह भी देख रखा है, 3:20 और 6 PM तक, तो आप इसको भरें। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक और पेज ओपन हो जाता है, और इस पेज के खुलते ही यहाँ लिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORF फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट। ये आपके लिए नहीं है इस एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। कई लोग को इसमें प्रॉब्लम आ रहा था तो स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, नीचे वाला ऑप्शन आपके लिए है, वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ क्लिक किया हूँ तो मेरा एक नया पेज खुल गया, ये पेज खुलता है, इसमें लिखा हुआ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बड़ा सा बैनर लिखा हुआ है, प्लीज चूज द एग्जामिनेशन टू अप्लाई फॉर, आवेदन के लिए परीक्षा का चयन करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप यहाँ देख लीजिए, सिविल सर्विस प्रिपरेशन एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है, और यहाँ पे कई रो और कॉलम आपको मिल जाएंगे, नोटिस की तिथि है, क्लोजिंग डेट भी लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ आना है आपको Part 1 जो रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, इस पेज पे जाएंगे आप तो यहाँ लिखा हुआ है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको आप एक बार रीड कर लें, एक बार सरसरी नीचे यहाँ से जरूर देखें, जहां स्टार लगा हुआ है उसको बहुत गौर से पढ़ लें, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तकरीबन आप इसमें देख रहा हूं मैं कि 22 पॉइंट है, इस 22 पॉइंट को जरूर पढ़ें,
हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखें। जहां हिंदी में दिक्कत हो इंग्लिश ही मानना होगा, इसलिए इंग्लिश को जरूर पढ़ें। ओके, उसके बाद जब आपने इसे पढ़ लिया, जो इंफॉर्मेशन है, यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ यस। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज खुलेगा, एंड देन ये पेज आ गया। इस पेज में क्या है कि ये फॉर्म भरने का अब यहां से प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये फॉर्म का है पार्ट वन रजिस्ट्रेशन, भाग वन पंजीकरण। यहाँ क्या है कि आप आपको आपको अपना नाम लिखना है। पहला ऑप्शन मैं देख रहा हूँ, इसमें नाम में लिखना है। इसमें क्या करना है आपको, मिस्टर मिसेज श्री ये सब नहीं लगाना है, डायरेक्ट अपना नाम लिख देना है। ओके, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है जेंडर चेंज चूज कीजिए, थर्ड है डेट ऑफ बर्थ कीजिए, डेट मंथ ईयर ऐसे, फादर्स नेम। फादर्स नेम में अगेन आपको फिर कुछ नहीं लिखना है, श्री मिस्टर ये सब अपने फादर्स नेम में आपको नहीं लगाना है। मदर्स नेम में भी यही है, मिसेज ये सब नहीं लगाना है आपको। ओके, नेशनैलिटी इंडियन, अगर आप अन्य हैं तो वहां अन्य का ऑप्शन है, जैसे नेपाल भूटान के लोग भी करते हैं तो आप अदर्स में जाके कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में जो भी आप है आप चूज कर लीजिए, मैरिड अनमैरिड, विडोज एंड अदरवाइज जो भी है आपको। अब अगर आप हैं कैंडिडेट्स ऑफ पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आप वहां पे नो यस का ऑप्शन है देख लें। फिर कम्युनिटी से जिसमें है वो ऑप्शन फिलअप करें, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, इफ यस देन चूज यस, इफ नो देन क्लिक ऑन नो ऑप्शन। ओके, उसके बाद है कि फी रिमिशन अलाउड है, अगर यस yes, तो अगर शुल्क माफी का नहीं तो आप नो का ऑप्शन चूज करें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माना जाएगा। सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सिलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन। तो आप अपना जो भी है सिलेक्ट क्वालिफिकेशन करें, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। उसमें क्या है कि दो ऑप्शन आएगा, ऑलरेडी पास्ड डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और अपीयर अदरवाइज अपीयरिंग इन एट द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। जो भी ऑप्शन आपका है आप चूज कर लें। आप या तो ग्रेजुएशन को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं या अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, परस्यू में हैं, कर रहे हैं, तो वो सिलेक्शन लें। उसके बाद क्या है कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है। जैसे कि मान लीजिए मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इसमें ऑप्शन आएगा डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो मैं इंजीनियरिंग पे क्लिक करूंगा। यानी कि जिनका भी इंजीनियरिंग है, किसी भी, कई लोग इस पे कॉल कर कर करके पूछ परेशान कर दिया है कि इंजीनियरिंग मेरा तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मैं क्या करूं। आपका किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग है, डजंट मैटर, यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज डिग्री इन इंजीनियरिंग। ओके, अब आपका और भी बहुत है, बॉटनी है, सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबों का अलग ऑप्शन है, इंजीनियरिंग में इंक्लूड इसे ना करें। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, लॉ है, मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस का अलग से है। MBBS लिखा हुआ नहीं आ रहा था, बहुत लोग पूछ रहे थे यार MBBS नहीं है, ऑब्वियसली MBBS डिग्री करने में MBBS नहीं है, मेडिकल है, आप उस पे जाके करें मेडिकल साइंस। मैनेजमेंट है, MBA लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ध्यान रखें इस चीज का, सॉरी, इसमें BBA फिलोसफी है, साइकोलॉजी है। अगर मान लीजिए इसके अलावा एग्रीकल्चर भी है, नहीं है, कुछ लोग का मेल आया था कि सर इसमें जितने ऑप्शंस हैं इसके अलावा मेरा कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने BSW कर रखा है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, सॉरी इसमें नहीं है, तो आप क्या करेंगे। किसी ने मास्टर ऑफ सोशल वर्क है तो क्या करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, अदर्श का ऑप्शन है उस पर जाके क्लिक करना है, वो लास्ट का ऑप्शन है, देख लीजिएगा सही से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आप नीचे उतरते हैं कॉलम में, तो उसमें देखते हैं कि एड्रेस है। एड्रेस में क्या करना है, लाइन वन, अच्छा एड्रेस में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज आपको नहीं करना है, ध्यान रखें। अगर कई लोगों का जो कमेंट सेक्शन में अपने चैनल पे देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मेरा एड्रेस नहीं वो कैच कर रहा है, कैसे लेगा। आप जो है उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे विलेज, फिर डैश दे रहे होंगे, नहीं देना है, विलेज सीधा विलेज का नाम लिखिए, पोस्ट डैश नहीं दीजिए, सीधा जो भी है लिखिए, पुलिस स्टेशन जो भी है, डिस्ट्रिक्ट का अलग कॉलम है इसमें, तो उसमें जाके लिखिए, स्टेट का अलग कॉलम है, पिन नंबर अलग से है, उस कॉलम को सही से पढ़िए, रीड आउट कीजिए। मोबाइल नंबर, अगर आप फोन नंबर देते हैं या मोबाइल नंबर, तो जो आप लिखिए फोन नंबर विद एरिया कोड 01 जो भी होता है आपका वो लगा लीजिए, नहीं तो मोबाइल नंबर लिखिए। ईमेल आईडी रखिए, ध्यान रखिए ईमेल आईडी जो भी है वो आपका वर्किंग हो, फंक्शन वाला ईमेल आईडी हो, उसे कंफर्म कीजिए ईमेल आईडी को। एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी दीजिए, किसी भी अपने फ्रेंड्स का दे दीजिए, अपने सिस्टर का, अपने घर में कोई भी हो उनका दीजिए, ताकि अगर
इन एनी केस ऐसा हो सकता है कि आपका ईमेल आईडी वर्क ना करे, तो आपके कोई रिलेटिव वगैरह का है तो वहां ईमेल आईडी आपका काम कर जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाद जब आप ये सब कर लेंगे, जितना भी ये कल्चरल प्रोग्राम है, उसके बाद आप क्या करें, इसे अगर देख लें कि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो आप रीसेट यानी कि हिंदी में पुनः सेट करें, ओके। तो उस पे जाके क्लिक करें, देखें कि क्या है, एक बार फिर से आपका आ जाएगा। अगर आपने सही से देख लिया कि पढ़ लिया कि सब कुछ सही है, तो आप क्या करें, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, मैंने सारी चीजें से कर लिया है, कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके। कंटिन्यू पे क्लिक किया, एक पेज आप खुल जाएगा आपका, और ये पेज जो खुलेगा वो है फिर क्या अगला आएगा, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी कि आपका आ जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है। एक फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, उस पर सब कुछ देख लीजिए। उसको आप क्या कीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सेव करके मोबाइल में रख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, वो आपके लिए यूजफुल है। उसके बाद नेक्स्ट एक पेज खुल रहा है, उस पेज में क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन निकला है नंबर एक, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है, डेट ऑफ बर्थ को डालना है, एक कैप्चा आ रहा है उसको पुट ऑन करना है, और फिर वहां क्लिक करके आपको आएगा पेमेंट का ऑप्शन, तो आप पेमेंट वगैरह कर लें, वो आप समझ ही जाएंगे उसको जब ऑप्शन देखेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट पे जाएंगे आप, तो आपको आ जाएगा कि सेंट्रल सिलेक्शन के लिए, तो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालें, और फिर सेंट्रल सिलेक्शन आ जाएगा, आप अपने नजदीकी जहां भी एग्जाम देना चाहते हैं वहां सेंट्रल सिलेक्शन कर लें। कुछ लोगों का इतना मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि सर सेंट्रल सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली देखिए होता क्या है कि टाइम हो गया, 12 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, आज लगभग 12-15 दिन बीत गया। अब अगर आप अभी सेंटर डालेंगे तो हो सकता है जो सेंटर आप अपने नजदीकी सिटी का ले रहे होंगे वो ऑलरेडी फुल हो गया होगा, तो वो सेंटर यूपीएससी अब आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ओके। तो आपको करना क्या है कि अपने इर्द गिर्द के, मान लीजिए आप बिहार से हैं और बिहार में आप दरभंगा सेंटर ले रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2020 के लिए, अब दरभंगा ऑप्शन जो है वो फुल हो चुका है सीट, तो दरभंगा में अब आपको एग्जाम अपेयरिंग होने का अनुमति यूपीएससी नहीं देगी। तो घबराना नहीं है, करना क्या है, नजदीकी किसी शहर का ले लीजिए, पटना ले लीजिए, मुजफ्फरपुर में होता हो तो वहां ले लीजिए। जैसे जो लोग दिल्ली ले रहे हैं, बहुत लोगों का दिल्ली से ही मैसेज आया है कि दिल्ली सेंटर नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा बॉस क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आप नजदीकी जगह लें, जैसे कि आप ले सकते हैं गौतम बुद्ध नगर ले लेंगे। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर नोएडा है ही नहीं, ऑब्वियसली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब आपको कासना या जो भी जेवर, प्रेम जेवर, ये सब लिखा नहीं रहेगा, ये इसके लिए एक ऑप्शन है, उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, ध्यान दीजिए इस बात पे, नोएडा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है, तो गौतम बुद्ध नगर को आप करें। ये चीज आपको देखना पड़ेगा, आप जहां भी हैं ऑल ओवर इंडिया में इस चीज को देखें, तो इस तरह से आपका सेंट्रल सिलेक्शन का प्रोग्राम हो जाएगा। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है, वो है कि फोटो सिग्नेचर एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड। फ्रेंड्स यहां मैं आपको डिटेल से थोड़ा बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों का इसी में प्रॉब्लम है, यही नहीं हो पाता है। क्या है मतलब इश्यूज क्या है इसको लेकर के, मैंने पहले कहा था कि इंस्ट्रक्शन था, उसको पढ़ लीजिए कि फोटो अपलोड कैसे करना, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। आप अगर खुद से कर रहे हैं तो आप अपने फोटो को स्कैन कर लें, कैम स्कैनर से कर लें, एक ऐप आता है मोबाइल में उसको कर लें, एक सिग्नेचर अपना स्पष्ट लिखा हुआ सिग्नेचर करें उसको भी स्कैन कर लें, इस दोनों को जीपीजी फोल्डर जो होता है, जीपीजी फोल्डर, उसमें कन्वर्ट कर लें, हो जाता है वो कन्वर्ट। लेकिन वो होगा कितना, उसका डायमेंशंस वगैरह क्या होंगे, वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल और हॉरिजेंटल उसका क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप पिक ले रहे हैं और आपका जो सिग्नेचर का पिक है और आपके जो इमेज का है, खूबसूरत से शरीर का पिकेज चेहरे का, तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका मिनिमम वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों मिनिमम होगा 350 350 mm, और मैक्सिमम कितनी 1000 तक, ठीक। उसके बाद इसके साइज क्या होंगे, फोल्डर के साइज होते हैं ना, तो साइज कितने होंगे, साइज होंगे 20 KB to 300 KB। ध्यान रखिए, कुछ लोगों का बहुत मैसेज आ रहा था कि सर अपलोड नहीं हो रहा है, मैंने पूछा कि क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, आप साइज बताइए, शायद 500 KB, ऑब्वियसली अपलोड नहीं होगा बॉस, क्योंकि 300 KB तक ही यूपीएससी इसको ऑथराइज कर रही है। तो आपका जो होना चाहिए फोल्डर का साइज, इट मस्ट अंडर 20 KB to 300 KB, ओके। उसके बाद
जब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि फोटो हो गया, फिर सिग्नेचर हो गया, फिर जो है वो आइडेंटिटी कार्ड। तो आइडेंटिटी कार्ड आप जो भी भरे हैं फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वाले में, अगर आपने आधार कार्ड का भरा है, ड्राइविंग लाइसेंस का भरा है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है, वट एवर आपने जो भी उसे उसमें एड ऑन करा है, उसका एक इमेज लीजिए कैम स्कैनर से, और उसका ऐसे ही अपलोड कर दे रहे हैं लोग। फिर मुझे मैसेज कर रहे हैं सर ऐसे नहीं, उसको क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ओके, फिर से कह देता हूँ, उस जो इमेज लिया है आपने, सिग्नेचर लिया, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको क्या करना है, जेपीजी फाइल जो आता है उसमें कन्वर्ट करना है, फोटोशॉप में जाके, लैपटॉप में आप कर सकते हैं ऐसा, उसमें कर लेना है। और उसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल मिनिमम 350 mm, मैक्सिमम 1000 mm के अंदर ही होना चाहिए, और उसे अपलोड करें। पर जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे, है ना, जब आप अपना आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड वगैरह कुछ भी होगा, उससे क्या करना है, जेपीजी में फोल्डर में नहीं, बल्कि उसे पीडीएफ फोल्डर में कन्वर्ट करके देना है। तो पीडीएफ कन्वर्ट करके अपलोड कीजिए। कुछ लोग पीडीएफ कन्वर्ट करके अपलोड कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फिर गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं कि फाइल का साइज क्या होगा। ऑब्वियसली जब पीडीएफ है तो उसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल का कोई इश्यूज रह नहीं जाता, लेकिन फाइल का एक साइज होता है कि फाइल कितना बड़ा होना चाहिए। वो साइज यूपीएससी ने इसलिए डिसाइड किया है 20 KB to 300 KB ओनली। ओके, यानी कि जो भी आपका पीडीएफ आपने बनाया है वो 20 KB to 300 KB है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बता दूं कि बहुत लोगों का मुझे स्क्रीनशॉट करके भेज रहे थे कि सर मैंने ये करा पर ये 300 KB से ज्यादा हो रहा है। ऑफ कोर्स होगा, आप कर क्या रहे हैं कि आपके जो आधार कार्ड हैं, बहुत लोग आधार कार्ड ही देते हैं या जो भी कार्ड है, क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ के फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ के पिक ले रहे हैं और फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, फोल्डर के साइज ज्यादा हो जाएगा, 500 KB के आसपास आ जाएगा। तो फिर नहीं होगा, आपको करना क्या है, फ्रंट साइज का सिर्फ लीजिए, जैसे आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड के सामने का बस फ्रंट का पिक लेना है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपको ये देखेंगे कि मुझे लगता है 250 to 270 KB के आसपास ही आएगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ इसी पे है। तो इस चीज को जब आप अपलोड कर देंगे, सब कुछ एकदम स्पष्ट सिग्नेचर होना चाहिए, फोटो स्पष्ट होना चाहिए, और जो आइडेंटिटी कार्ड आप दिए हैं वहां रजिस्ट्रेशन में उसी आइडेंटिटी कार्ड को ही अपलोड करिए प्लीज। और हाँ, इसी आइडेंटिटी कार्ड को लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर में भी जाना है आपको, इसलिए इसको संभाल के रखिएगा। ओके, जब इसे करके आप ओके वगैरह कर देते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो एक आ रहा है एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, घोषणा सहमति करना, है ना, आप घोषणा करते हैं। तो उसमें फिर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ले रहा है, वो आधार कार्ड का जो ये सब ले रहा है, और फिर आप तो उस पर क्लिक करेंगे और आपने घोषणा कर दिया कि आप डिक्लेरेशन है एक्चुअली, कि आपने जो जो फॉर्म भरे हैं, जो भी डाटा वाटा वो आप एकदम सही मेंटली कंडीशन में भरे हैं, वो सब कर दीजिए आप। उसके बाद आप उसका क्या कीजिए, एक उसको पीडीएफ में कर लीजिए कन्वर्ट, सेव कर लीजिए अपने सिस्टम में, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, मोबाइल में ले लीजिए, ईमेल पे ले लीजिए, कहीं भी, मतलब सुरक्षित रखिए उसे। कहने का ये मतलब है कैसा, एक रजिस्ट्रेशन पहला वाला मैंने बताया था, और एक फाइनल जब डिक्लेरेशन के बाद एक निकलेगा, दोनों को सुरक्षित रखिए। जब एडमिट कार्ड निकलेगा तो ये सब काम आएगा, एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सुरक्षित रखना है, ईमेल आईडी को सही रखना है, जो ईमेल आईडी दिया है काम करते रहना चाहिए। मैं इतना क्यों क्लियर करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, जो फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कॉलेज से आए, मेडिकल कॉलेज से आए, नो, मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो गाँव देहात में रह रहे हैं। आपको लग रहा होगा इतना नहीं जानेंगे, ऑब्वियसली नहीं जानते, लैपटॉप चलाना नहीं जानते, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, दरअसल उनको ये रिसोर्सेज मिला नहीं है, इस वजह से उनमें भी आईएएस बनने की क्षमता, और बनते ही हर साल हम ऐसे लोगों को देखते हैं। तो प्लीज अपने ऊपर बर्डन ना ले कि ये नहीं हो रहा वो ना, घबराए नहीं आराम से। अगर मान लीजिए आपको बहुत प्रॉब्लम है लैपटॉप यूज करने में, कंप्यूटर फ्रेंडली आप नहीं है, टेक्नोलॉजी समझ में बहुत ज्यादा नहीं आता है, सब कुछ भर देते हैं, पुट ऑन कर देते हैं, बट आपको यार पिक कैसे कन्वर्ट करेंगे, इतने साइज में, इतने साइज में पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करेंगे, इतने के भी ये सब परेशानी हो रहा है, फ्रेंड्स एकदम चिल मारिए, छोड़ दीजिए, बगल के साइबर कैफे में चले जाइए। सबसे अच्छा आसान तरीका है, साइबर कैफे में जाइए, उसे कुछ चंदा दीजिए और उसको कहिए भाई साहब ध्यान रखना है फॉर्म का फी 100, और अगर SC ST किसी भी कैटेगरी के वुमेन है और फिजिकली चैलेंज है, 1 रुपया फॉर्म का नहीं देना है, सिर्फ साइबर कैफे में उसके रिसोर्सेज का देना, इंटरनेट वगैरह उसका यूज करने का। ओके, तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखें, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप इसे आराम से देखिए,
आपको अगर इससे थोड़ा भी फायदा मिलता है तो मेरा इतना आधा घंटा समय देना जो है वो सफल हो जाएगा और मुझे लगता है कि आपको इससे फायदा मिलेगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस बात को लिखें, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व कर देने का, या हमारी टीम उस पर वर्क करेगी और सॉल्व कर देगी। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रॉब्लम्स का मौसम चल रहा है, हर कोई बिजी है, फिर भी मैंने समय निकाल लिया है आपके लिए, तो ये करें आपकी। और फ्रेंड्स चैनल को फिर से मैं कहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन मिलता नहीं। अरे नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा बंधु, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है और एक बेल आइकन होता है उसको क्लिक करना है, तो ये करेंगे तो नया वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके तक पहुंच जाएगा। ओके, तो इसे सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप करके ये ना मांगे कि सर नया वीडियो दीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे खुद ही मिल जाएगा, हर टॉपिक पे मिलेगा। ओके, धीरे धीरे जो टॉपिक पे चाहिए मुझे आप मेल में बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम उसे देख लेती है, वो हम तक आ जाता है कि इस टॉपिक पे लोगों की डिमांड है वीडियो बनने की, मैं वीडियो उस पर शूट कर देता हूँ, या हमारी टीम के और भी लोग हैं वो शूट कर देंगे आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। घबराए नहीं, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, इसे लाइक करें, अगर पसंद नहीं आ रहा डिसलाइक भी करें, ओके, शेयर जरूर करें इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस में, फेसबुक सोशल मीडिया में, जहां भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस इंफॉर्मेशन को ले सके। हो सकता है आपके लिए नॉलेज जो है काम की चीज नहीं है पर किसी और के लिए हो सकता है, तो बस एक शेयर करके आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं जाता है, करना चाहिए। मैं भी देखिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे क्या मिलता है इससे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को हेल्प करूँ, तो एक मतलब हेल्प करने की भावना आती है इससे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बात समझ गए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आपसे ये कहूंगा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखते रहें, और जम के एग्जाम की तैयारी करें, और बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू।